हेलो फ्रेंड्स, एक नए रिएक्शन के साथ आज मैं फिर से आ गई हूँ। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी, फनी वीडियो पे। और मैं इसको ना फनी, पता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी खुद ये फनी है, क्योंकि मैं पहली बार आज ऐसी कोई वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बट पहली बार कर रही हूँ मैं इस ऐसी वीडियो पे रिएक्ट जिसका टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी फुल एटीट्यूड वीडियो, इंडियन पीएम मोदी एंग्री मोमेंट। हाँ, एंग्री मोमेंट पे बात आते हो पीएम मोदी को। मैंने, मतलब ऐसे न्यूज चैनल वगैरह में, ऐसी कोई यूट्यूब पे लोग वीडियो वीडियो डालते हैं, तो उसमें मैंने उनको एंग्री मोमेंट में देखा तो है, लेकिन मैं एटीट्यूड वाले में नहीं देखा। ये टाइटल मतलब ऐसे डाल दिया, या फिर सच में वीडियो ऐसी है? मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है गाइस। मैंने टाइटल देखा और वीडियो, मैंने कहा चलो इस पे ही रिएक्ट कर लेते हैं, फनी भी हो जाएगा और मस्त मजे में वीडियो भी देख लेंगे, क्योंकि मेरा कुछ मूड कर रहा था ऐसी आज वीडियो देखने का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। उससे पहले प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक था टाइगर, ओह कपिल एक शर्मा, था टाइगर की एक है टाइगर, एक है टाइगर। चलो मोदी साहब, अच्छा ये एडिट एडिट करके बना रखा है इन्होंने। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती है? मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। भाई ये तो रैली देख रहा है, देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ा है। ओह माय गॉड, ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। बना दूं मैं गुलाम कोई बने बैठ तो मैं उसका भी डैड। जो बुर्ज खलीफा फोटो लगता, मैं कहता हूँ कोई मोदी का लगवा के दिखा दे बुर्ज खलीफा में, कल में जाएंगे वहाँ पे फोटो लगवाने में, किंग खाने उस। फोटो लगाने की बात करते हैं, मोदी जी ने वहां मंदिर बनवा दिया लिखा है बुर्ज खलीफा। बाईस जनवरी की शाम हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। आके भाई ने बोला करने का तो कर नहीं रहा, कर दे नहीं है भाई। अरे यार जगमग हो गया पूरा, हो गया। होटल में आके मासूमों को गोली मार दोगे, इसके बाद सोचो खान सर इज्जत से बतियाए। नसीब ठीक था उसका कि उस समय मनमोहन सिंह थे, नहीं तो इनके समय मार के चले जाते ताज होटल, कराची उड़ा देता ये आदमी। ओ भाई ये वाला लुक, घर में घुस के मारेंगे, ये घर में घुस के मारेंगे वाला डायलॉग इतना ज्यादा वायरल हुआ था। अरे यार ये भी डाल दिया। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। ये क्या था? टिक 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 प्राइम मिनिस्टर देन की। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे और कहा था देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहरा था। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट गए भी बिना आऊंगा,
फैसला लाल चौक में होगा, किसने अपनी माँ का दुख किया। भाई साहब वैसे वीडियो बहुत अच्छा बना रखा है इसकी। आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, बड़ी खबर ये है और दिलचस्प भी है, मोदी की दुनिया दीवानी, मोदी की दुनिया दीवानी, चाहे वो बाइडेन हो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जब मोदी से मिले तो आप जानते हैं मोदी से इस मुलाकात के बाद ही कमाई में कितना इजाफा हुआ, कितनी रकम बढ़ गई। मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क के 81,000 करोड़ रुपए बढ़ गए मोदी से एक मुलाकात के बाद। घोर सबसे अमीर शख्स के 81,000 करोड़। ये उनकी ओल्ड वीडियो है ना। भाई मोदी जी ने वैसे काम तो मतलब ए क्लास किए हुए हैं यार, सीरियसली। मुंबई की दिखाया, ओके 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 ओके, ताजमहल। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहाँ सरदारों की दस्तार कबूल की, अरुणाचल प्रदेश गए उनकी टोपी कबूल की, असम गए तो उनकी वेशभूषा कबूल की, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहनकर के फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं। मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना। अगर डेमोक्रेसी खतरे में है, और अगर ऐसी डेमोक्रेसी है कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान वाले अपने गाड़ी पे भारत का झंडा लगा के निकल रहे थे, अफगानिस्तान वाले भारत का झंडा निकल रहे थे, यहाँ रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ बाइडेन मोदी जी के पैरों में दंडवत करके लेटा है कि प्लीज रशिया के विरोध में दो शब्द बोल दीजिए, वहाँ रशिया वाले पैर पड़ रहे हैं कि प्लीज हमारे विरोध में एक भी शब्द मत बोलना, हमारे साथ खड़े रहिए, किसी अलायंस में मत जुड़िए। अगर ऐसी डेमोक्रेसी खतरे में है तो मैं ऐसे डेमोक्रेसी में ही जीना चाहूंगा। बेटी मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी, ये वाला है। हाँ, ये बहुत वायरल हुआ। इतना बढ़िया काम करके लाई हो, सो नाइस यार। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हूँ तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुँचाएगी। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। हो नाइस यार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। अपोजिशन पार्टी मस्ट कम टुगेदर। वो भारी बच्चा हो। और मोदी है ना तो सब मुमकिन है यार, मतलब आज देखो ना इंडिया को। Oh
दोस्ती तो सबसे है भाई, सबसे। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं, पीक पर मार करने के प्रयास होते हैं। तो ये मोदी है। इंच इंच पिंच पिंच करके तू गई देच आई बात को पहले जवाब देना चाहिए। ये बात तो ये था पीएम नरेंद्र मोदी फुल एटीट्यूड वीडियो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंग्री वीडियो था। मैं इसको वैसे ये टाइटल नहीं देना चाहूंगी, मैं बोलूंगी फुल जोश वाला वीडियो था। और जितनी चीजें इसमें हाईलाइटेड थी ना, वो सारी की सारी चीजें बहुत वायरल हुई थी। इतनी ही नहीं, वैसे इससे भी बहुत ज्यादा चीजें जो थी वो वायरल हुई थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जितना मतलब इन्होंने इस वीडियो में दिखा रखा था। और वो पार्ट थे ना जिसमें बड़े बड़े लोग आके हमारे देश में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते, और मिलेंगे भी क्यों नहीं यार, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ही इतने काबिल और इतने जोशीले कि मतलब उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, तभी तो कहते हैं लोग मोदी है तो मुमकिन है। और आप लोगों को क्या लगता है, फिर से मोदी सरकार आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ये तो भाई अब आप ही लोग जानो। और मेरी थिंकिंग वो बाद में बताएंगे, अलग वीडियो में बनाएंगे इसको, बहुत जल्द उस पर भी रिएक्ट करना है। तो आज ऐसे फन के लिए मैंने कहा आज कुछ ना कुछ अलग सा देखते हैं। तो मैंने कुछ अलग सा क्यों देखते हैं, अपने देश का देखते हैं और कुछ अच्छा देखते हैं। तो मुझे लगा आज ये कुछ फनी सा देखा जाए, तो मैंने कहा मोदी जी के एटीट्यूड वीडियो निकालो, आज एटीट्यूड देखते हैं। क्योंकि मैंने मोदी जी को ना ऐसे सीरियस तो हमेशा देख रखा है मैंने, सीरियस नहीं मतलब वो नॉर्मल रहते हैं हमेशा से, लेकिन मैंने उनका एटीट्यूड वाला तो नहीं देख रहा था, एंग्री वाला मैंने देख रखा है कहीं कहीं पे। तो मुझे वीडियो मिला, मैंने सोचा आज इस पर रिएक्ट करते हैं करके। कैसा लगा आप लोगों को फनी सा वीडियो, और अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।